आखिर फिर लौटते हैं 1991 की याचिका की बात पर, पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे की याचिका में मंदिर की जमीन हिंदू समुदाय को वापस करने की मांग की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था, जिसके हिस्से आज भी मौजूद हैं, वही हिस्से जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही थी। हिंदू समुदाय की तरफ से दायर याचिका वाराणसी सिविल कोर्ट में थी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया साल 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। उसने दलील दी कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी मनाही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। करीब 21-22 साल तक यह मामला लंबित पड़ा रहा। 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाया जाए। वो मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, और उसको जाने बिना कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। आरएनए में डिटेल से बात होती है, तो आइए जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। 1990 का ये वो दौर था जब अयोध्या का राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दा अपने चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक आंदोलन का रूप दे दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली और यात्रा को 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन इससे पहले ही 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर यह हुआ कि बीजेपी के समर्थन वाली केंद्र की वीपी सिंह सरकार गिर गई। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इस बीच अयोध्या विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका था। राम मंदिर आंदोलन का ही प्रभाव था कि देश में अयोध्या के साथ साथ काशी मथुरा और कई मंदिर मस्जिद विवाद जोर पकड़ने लगे। उस वक्त केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार को लगा कि इस तरह के धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़े तो देश में हालात खराब हो जाएंगे। इन्हीं विवादों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। अब आपको बताते हैं ये कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता क्या है। ये कानून कहता है कि देश की आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था वो भविष्य में भी उसी का रहेगा। बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर कहीं मंदिर है तो वहां मंदिर ही रहे और कहीं मस्जिद है तो वहां मस्जिद ही रहे, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। क्योंकि अयोध्या का विवाद 1947 से पहले से ही विवादित श्रेणी में था और कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर विवाद पर हमेशा हमेशा के लिए विराम तो लगा, लेकिन इसके साथ ही काशी मथुरा सहित देश भर के लगभग 100 मंदिरों की जमीन को लेकर दावेदारी उठने लगी। लेकिन इसी कानून की वजह से दावा ठोकने वाले कानून का रास्ता नहीं चुन पाते। साल 2021 में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा उसे वापस पाने के उनके कानूनी रास्ते को भी बंद करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि का जिक्र है और उसे कानून के दायरे से अलग रखा गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को नहीं, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार है। ऐसे में यह कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है, जो सभी को समानता का अधिकार देता है। वैसे आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं था जब इस कानून का विरोध हुआ। जुलाई 1991 में जब नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लाई तब भी इसका विरोध हुआ था। संसद में उमा भारती और अरुण जेटली ने इस कानून को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी यह कानून पास हो गया था। हमने आपसे कहा था कि हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इनके निर्माण और पूर्ण निर्माण को लेकर कोई ठोस और पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन धारणाओं और दावों का भरमार जरूर है। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बीएचयू के प्रोफेसर
डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव बताते हैं कि एक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़वाया था। इसके बाद 14वीं सदी में जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह ने मंदिर के एक बड़े हिस्से को तोड़वा कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। जहां तक बात विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की है, तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1991 में हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया था कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन फिर ये जीर्ण शीर्ण हो गया था, जैसा अभी हमने बताया कि मोहम्मद गौरी ने तोड़वाया। जो भी हो, उसके बाद इसको फिर से बनाने का श्रेय अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इसका निर्माण कराया था। काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बीबीसी से एक बातचीत में बताया था कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल कर रहा है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए हैं। एक बात और, ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया, ये बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। इसके बाद औरंगजेब ने साल 1669 में काशी के मंदिरों को तोड़वाने के आदेश दिए और इसे मस्जिद की शक्ल दे दी। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था। इस फरमान में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। औरंगजेब के इस फरमान की कॉपी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखी है। इसी फरमान का जिक्र औरंगजेब के समय के लेखक साकी मुस्तईद खान ने अपनी किताब मासीदे आलमगिरी में भी किया था। इतिहासकार एलपी शर्मा भी अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि साल 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के आदेश दिए गए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग विभाग भी बनाया गया। ये संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट किए जाएं, लेकिन इस आदेश के बाद बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर जैसे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया था। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, लेकिन करीब 250 साल पहले इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था, जिनमें विश्वनाथ धाम का विशेष महत्व है। रानी अहिल्याबाई के योगदान को याद करते हुए उनकी एक मूर्ति श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में भी लगाई गई है।